नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शनि देव पे 29 जून 2024 को बकरी होने जा रहे हैं, वो भी रात को 11:40 पर कुंभ राशि में बकरी होंगे। मतलब जहां शनि देव विराजमान हैं वहीं बकरी होंगे और एक घर पीछे का भी रिजल्ट देंगे। दोस्तों 29 जून 2024 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक शनिदेव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे? एक तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लगी होते हैं और स्वयं के स्वामी भी हैं, तो अब आइए जान लेते हैं किस प्रकार से आपको फल मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली में शनिदेव कहाँ विराजमान है और उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है। तो कुंभ राशि वाले जातक, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत एक कुंडली बनी हुई है जिसमें से सभी ग्रह और सभी राशि ही अपने अपने जगह में अपने अपने भावों में विराजमान हैं। जिनमें से कुंभ राशि के जो लोग हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपके स्वयं की राशि है और स्वयं की कुंडली है, तो आपके लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि के साथ शनिदेव विराजमान हैं लग्न में केंद्र में त्रिकोण में। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। शनिदेव आपके लग्न पर विराजमान है तो यहाँ पर आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, इतना दिक्कत नहीं देंगे, आपका मानसिक तनाव चिंताएँ जो भी है तो इतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इशू कर सकते हैं, बाकी केंद्र में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, और साथ ही बता दें कि शनिदेव केंद्र में बैठे हैं तो कुंभ राशि वाले जातकों को राजनीतिक से लाभ, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती, कोई इच्छा पूर्ण देखने को मिल सकती है। उसके बाद शनिदेव जैसे कि एक घर पीछे का भी रिजल्ट देते हैं, मतलब 12th हाउस का भी। 12th हाउस होता है खर्चों का, हॉस्पिटल का और देश विदेश का। तो यहाँ पर देश विदेश से काम तो अच्छे होंगे। और साथ ही बता दें कि आप कोई चीज़ इन्वेस्ट करिएगा तो सोच समझ कर करिएगा और खर्चों में कमी देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया है। उसके बाद शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर जा रही है, कहीं ना कहीं इसे साहस में, पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी। और अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े कार्य करते हैं तो वहाँ से आपका काम धीमा हो जाएगा या फिर ना के बराबर में हो सकता है। और साथ ही बता दें कि अगर आप मार्केटिंग से जुड़े कार्य करते हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा इतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल सकता, छोटी मोटी यात्राएं जीवन में बनी रहेंगी। उसके बाद शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके सीधे 7th हाउस पर जा रही है, तो कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही ज़्यादा सतर्क हो जाइए, अन्यथा आपका लाइफ खराब हो सकता है या फिर आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि सिंह राशि पर जा रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार है, नीच की राशि में जा रही है, तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े, वाद विवाद या फिर अलगाव की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं। मतलब कि ये है कि डाइवोर्स की भी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं अगर आप संभल कर नहीं चलते हैं तो। क्योंकि शनिदेव तो वैसे भी वक्री हो गए, ऊपर से उनकी दृष्टि जो होती है ऑलरेडी खतरनाक होती हैं, निगेटिव परिणाम देते हैं, तो यहाँ पर अलगाव की स्थितियाँ भी पैदा हो सकती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद या फिर लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब हो सकते, ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और कुंभ राशि वाले जातक, आप पार्टनरशिप में काम बिल्कुल मत कीजिएगा, अन्यथा बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, क्योंकि 7वां घर होते हैं पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप से जुड़े भी जितने भी कार्य हैं मत कीजिएगा जब तक शनिदेव वक्री हैं। उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं से धीमापन देखने को मिल सकता है, मतलब कि
जितना पहले आपको लाभ होता था उतना आपको लाभ देखने को नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से व्यापार में कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद शनिदेव की जो दसवीं दृष्टि है वो आपके सीधे 10th हाउस पर जा रही है। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पर आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि भी दृष्टि जा रही है, तो नौकरी में आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका कार्य अच्छा रहेगा, कर्म अच्छा रहेगा, तो थोड़ा सा लाभ तो देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, नौकरी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर देवगुरु बृहस्पति ना देखते तो फिर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं और शनिदेव भी देख रहे हैं, तो आपकी नौकरी बची रहेगी और आपका कर्म भी अच्छा रहेगा। तो जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे तो कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ये सारी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।